there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आमस के बहेरा मोड़ के समीप जीटी रोड के उत्तरी लेन पर तेज हवा के कारण पेड़ गिर गया। हालांकि गरिमत यह रही कि लॉकडाउन के कारण कम गाड़ियां चलने के कारण कोई भी गाड़ी पेड़ की चपेट में नहीं आई, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, जिसके बाद एनएचआई के द्वारा पेड़ को काट कर हटाया गया। इस सारे क्रम में लगभग आधे घंटे तक उत्तरी लेन रोड बाधित रहा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सुशांत केस की सुनवाई अब सीबीआई करेगी। इस पर वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु मामले की जांच सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की अपील के पक्ष में फैसला आया है। यह सुशांत न्याय दिलाने के संघर्ष में देश की पहली जीत हुई है। आमस के कुशा निवासी आनंद यादव के इकलौते बेटे प्रेमचंद यादव की मौत बुधवार की रात करंट लगने से हो गई। पड़ोसी राजेश कुमार व राज नंदन यादव ने बताया कि प्रेमचंद रात करीब 9 बजे घर के बाहर चापाकल से पानी लेने गए थे। इसी बीच पहले से गिरे बिजली प्रभावित एलटी तार की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। आमस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व 3 उप स्वास्थ्य केंद्रों में गुरुवार को रैपिड एंटीजन किट से 142 लोगों की कोरोना जांच हुई। लैब टेक्नीशियन समीर रहमान व रुपेश ने बताया कि सभी 142 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसमें एक पीएनबी बैंक कर्मी प्रवेश उर्फ कांधा की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है, जिसके बाद लोगों में खुशी है।